आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को शायद पता ही है कि मेरा बर्थडे 1 दिसंबर को है, पर शायद आज भी मेरा बर्थडे ही है क्योंकि 2023 के 6 फरवरी को हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ था, हमारा मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का, जिसको आज पूरे 1 साल हो गया है। एक्सीडेंट के मोमेंट के बारे में, मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। अल्लाह कसम बोल रही हूँ, मैं शायद हर रोज़ याद करने की कोशिश करती हूँ पर मुझे कुछ याद ही नहीं आता है। मेरे हस्बैंड से सुना है मैंने कि मैं एक्सीडेंट के बाद गिरी हुई थी। उन्होंने जब मुझे उठाया तो मेरे मुंह से, मेरे आँखों से खून निकल रहा था। आज भी जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं उस मोमेंट के बारे में, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मेरे पापा जिस हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं उसी हॉस्पिटल में लेके गए। रास्ते में पापा को कॉल करके बोल दिया था। पापा नमाज पढ़ने के लिए गए थे मस्जिद में, मस्जिद हमारे घर के पास में ही है। भाई फिर गया पापा को बुलाने के लिए, पापा नमाज बिना ख़त्म किए ही चले आए। कौन माँ बाप अपने बच्चे के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर ठीक रह सकता है। अम्मा अभी भी बोलती हैं कि हम दोनों घर से हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे हमें नहीं पता। फिर उसे हॉस्पिटल में हमारा ड्रेसिंग वगैरह किया, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए क्योंकि बहुत सारे टेस्ट करने थे। फिर टेस्ट वगैरह किया, उतना तक तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है कि मुझे जब एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तब मेरा भाई रो रहा था और बोल रहा था कि बा कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बस धुंधला यही याद है और कुछ भी याद नहीं है मुझे। मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था। 15-20 दिन तक तो मैं कुछ सॉलिड खा भी नहीं पा रही थी। चलना फिरना तो दूर की बात है, मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी। बेड से दो जन अगर पकड़ के भी उठाते थे फिर भी मैं सेंसलेस हो जाती थी। मुझे बस लिक्विड, वो जो वारिसल का पैकेट मिलता है वही पिलाते थे। मैं कुछ सॉल्ट खा ही नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ पे अंदर तक पूरा कट गया था, मेरा पूरा ये वाला साइड ख़राब हो चुका था। पर आप लोगों की दुआ और अल्लाह की बरकत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हो गई हूँ। एक्सीडेंट के बारे में सोचती हूँ तो बहुत ही बुरा वक्त याद आता है। बस अल्लाह का शुक्रिया कि बुरा वक्त था बीत गया। हस्बैंड को भी चोट लगी थी, हस्बैंड के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था हस्बैंड का और मेरे यहाँ पे शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम दोनों ठीक हैं।